आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोधपुर आए, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवार का अपमान कर रही है। चाबा गांव की शहीद परिवार के परिजनों द्वारा शादी के कार्ड में उनकी फोटो लगाई तो एसडीएम ने उन्हें नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि वह शहीद परिवार के शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के कार्रवाई से शहीदों का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से मीडिया में कहते आ रहे हैं कि अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिसका परिणाम अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई। सचिन पायलट की यात्रा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का अपमान हो रहा है, इसके लिए उन्हें तुरंत एक नई पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए वह सचिन की नई पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। राजा, आप नागौर जिले में रहिए और आपको ट्वीट करने के बाद उसने 21 लाख की घोषणा की। ये 2008 में जब मुख्यमंत्री थी तो बाहर एक सभा हुई, उसमें 11 लाख रुपए केस देने की घोषणा की। उसमें कई लोग थे, उसमें मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर था मंच पर, और हम सब ने जो पैसा बोला हमने दो दिन बाद पैसा दे दिया। इतने 11 लाख रुपये तेजा जी के मंदिर के नहीं दिए, और उसके बाद ये 13 से 18 फिर मुख्यमंत्री रही। अब जब जनाधार खिसक गया, उसे लगा कि मैं तेजा जी महाराज के जोधपुर नागौर में कार्यक्रमों में भाग लेके और दर्शन करके मैं तेजा भक्तों को संदेश देना चाहती हूँ, तो मैंने कहा था कि एक तो इसने अपने पति को छोड़ा जो तेजा भक्त था, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, और दूसरा सोला रावला घड़साना के अंदर तेजा भक्तों में गोलियाँ चलाई, 80 गुर्जर समाज के लोगों को गोलियों से भूना, और 11 लाख रुपए मैंने कहा ब्याज सहित पहले लौटाए और उसके बाद दर्शन करें। मैंने समिति को भी कहा था, तो मेरे हिसाब से मेरे कहने के बाद कुछ पैसा जिन्होंने आजमान दिया है, कुछ का साहब दे, कुछ ही पैसे हम लाए थे, आप ही बताएं। और टाइम टाइम फीस हो गई वहाँ पर, 150 लोग नहीं आए, डीडवाणा के अंदर सभा करी उसमें 800 लोग नहीं आए। अब वसुंधरा का जादू ख़त्म हो गया, अब वसुंधरा भी ढलान पर, आप जानते हैं वसुंधरा, अब वो ज़माना गया वसुंधरा का कि वसुंधरा के साथ लोग सेल्फी लेने के लिए भागते थे। अब तो वसुंधरा आ जाती है तो लोग भाग जाते हैं, कहीं फोटो नहीं आ जाए वसुंधरा के साथ, तकलीफ पड़ जाएगी बाद में। और ये झूठा दिखावा राजस्थान में करे, इसका कोई जनाधार राजस्थान के अंदर नहीं है। गहलोत ने खुद ये कह दिया, जो 2009 में मैं आरोप में लगाता था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, 15 साल बाद अशोक गहलोत ने पुष्टि की मेरे आरोपों की। मैंने जब सरकार गिर रही थी तभी मैंने कहा कि वसुंधरा सरकार बचा रही, इसने 8 विधायक दिए अशोक गहलोत को, तब हम लोग इस पायलट को सीएम बनाना चाहते थे, हम बीजेपी के साथ थे, 3 विधायक मरे, और ये सच सामने आया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती कि गहलोत की नेता वसुंधरा है जिसने बचाई, वसुंधरा कहती कि अशोक गहलोत मरे। और कल मैंने एक और देखा, जो मोदी जी तरह गहलोत का 3 बार हमने देखा गले मिलते हुए, शेरगढ़ के चाबा में सही दमाराम झाकड़ जो देश सेवा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने देश की सेवा करते अपने प्राण न्योछावर किए, और उनकी बेटी की शादी है, कल शादी का कार्यक्रम है राज है, और उनके बेटे को एसडीएम नोटिस देता है कि आपने कार्ड पे हनुमान बेनीवाल की फोटो कैसे छपवा ली, ये कैसे लिख लिया आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। आप ये बताएं, जो कैंप लग रहे हैं अभी सरकार के महंगाई रात कैंप, इसमें गहलोत की फोटो नहीं है, सारे कर्मचारी बांट रहे ना, मोदी की फोटो लगी क्या सब जगह? एक शहीद परिवार को इस तरह परेशान करना, क्या यही शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है? मैं जा रहा हूँ चाबा के अंदर, अभी मैं बात करूँगा एसडीएम से, कलेक्टर से, इस घटना की निंदा करता हूँ, और सरकार अगर इस तरह के प्रयास करेगी तो मैं सड़कों पर सरकार से निपटना भी अच्छी तरीके से आता है। सरकार ये नहीं समझे कि शहीद परिवार अकेले, लाखों लोग शहीदों के साथ है, और इस तरह की घटिया सोच मुख्यमंत्री के गृह जिले में है। अशोक गहलोत जो बड़ी बड़ी बातें करें, शहीद होंगे, हमने ये दिया वो दिया, शहीद के परिवार को नोटिस थमा के शेरगढ़ में डराने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अंदर हम एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे, कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे, दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सामाजिक कार्यक्रम के अंदर किसी भी पार्टी के नेता को बुलाए वो अधिकार है। और सरकारी कर्मचारी जो प्रचार करते कई बार चले गए, कांग्रेस बीजेपी के, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो खुलेआम झंडा लेके प्रचार करते हैं, सरकार उनका कुछ नहीं कर पाई।
एक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल का अगर नाम लिखाता है कपड़े कार्ड में, उसकी इच्छा है कि वो मुझे मानता है और मैं हमेशा उस परिवार के लिए लंबे समय से मूर्तियाँ ना उनसे लेके हर जगह उस परिवार से मेरा जुड़ाव है, और उसके अगर परिवार ने मेरा नाम लिखा दिया तो उसमें गहलोत सरकार को जलन नहीं होनी चाहिए। इनका तो कोई नाम लिखा था नहीं बात, और आज भी कि मेरे मित्र अशोक गहलोत मानगढ़ के अंदर आए थे, मेरे मित्र अशोक गहलोत, अरे पता ही नहीं चल रहा कौन किसका मित्र है, कौन किससे मिला हुआ। लोग तो हमारे पर आरोप लगाते हैं, कोई कहते RLP कांग्रेस से मिल गई, कोई कहते RLP BJP से मिल गई, अरे BJP कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, शहीदों के संघ को उनकी शहीद वीरांगनाओं को न्याय मिले, शहीद परिवारों को न्याय मिले, किसानों का कर्जा माफ, फ्री वृद्धि, टोल मुक्त राजस्थान, पेपर लीक की घटनाओं पर पाबंदी लगे, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, मजबूत लोकायुक्त हो और जवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता मिले, नए राजस्थान का विकास हो और हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां कंपनियां जो भी जमीन अधिग्रहण कर रही है 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही राजस्थान के अंदर। एक ही दल है पहली बार जिसे क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिली जो लड़ रहा है, और 23 में कांग्रेस BJP के छक्के छुड़ा देगा। 22 तारीख को लूणकंड सर के अंदर बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया है, तमाम इन मुद्दों को लेकर और नहरी क्षेत्र के मुद्दे में हमारे शामिल है, और उसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर राजस्थान के जवान किसान लोन कलेक्शन से सचिन आगाज करेगा। सचिन पायलट वापस भगवत की हो रहे हैं और वो पार्टी की तलाश में, प्रदीप क्या आपकी तरफ आ रहा है? प्रदीप देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि वो अगर अलग पार्टी बनाए तो जवानों के अंदर उनका क्रेज और गुर्जर समाज उनको आज नेता मानता राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के यूथ भी उनको देखता है सचिन पायलट जवान है, मुझे नया बदलाव करेंगे जवानों का मानना। अगर अलग पार्टी बनाते हैं और अलग पार्टी बना के और RLP उनकी पार्टी और अन्य जो हमारे दल है, चाहे आदिवासी ट्राइबल के दल हो, दूसरे दल हो, कांग्रेस BJP, अगर हम सब गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, निश्चित रूप से हमारा गठबंधन राजस्थान में एक नंबर पाएगा और कांग्रेस BJP में से एक पार्टी थर्ड नंबर पर चली जाएगी राजस्थान के अंदर। लेकिन उनको अब देरी नहीं करनी, वेट क्यों कर रहे हैं, किस बात का वेट? जिस तरह अशोक गहलोत ने उन पर आरोप लगाए 15-15 करोड़ रुपये खाने के प्रत्येक विधायक के, क्या क्या इनके बारे में बोला, और उसके बावजूद भी अगर वहाँ बैठे हैं तो मेरे हिसाब से टाइम पास करना, समय के साथ उनको चलना चाहिए, जल्दी जल्दी पार्टी बना के और राजस्थान की जनता के बीच उनको जाना चाहिए। मतलब RLP RLP तो खुद के साथ ही है, राजस्थान की जनता के साथ है, जवान के साथ है, किसान के साथ। अगर वो कांग्रेस BJP को छोड़ के पार्टी बनाता है सचिन पायलट, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए उनकी पार्टी से भी गठबंधन करेगी, रास्ते खुले हुए हैं, ये हमने पहले ही कह दिया था इस बात को।